एक बुजुर्ग हज के सफर पर गए थे। जब वो एक जगह से गुजर रहे थे, उनके हाथ में एक थैला था, उसमें कुछ पैसे थे। अचानक एक चोर उनके हाथ से थैला छीनकर भाग गया। जब चोर काफी दूर निकल गया, तब अचानक उसकी आंखों की रोशनी खत्म हो गई। आंखों की रोशनी जाते देख उस चोर ने रोना शुरू कर दिया। जब लोगों ने चोर से पूछा, भाई क्या हुआ, तो वो कहने लगा, मैंने एक आदमी का थैला छीना है, वो कोई बड़ा अल्लाह का करीबी बंदा लगता है, मेरी आंखों की रोशनी चली गई, खुदा के लिए मुझे उसके पास पहुंचा दो ताकि मैं उससे माफी मांग सकूं। जब लोगों ने पूछा कि यह किस्सा कहां पेश आया, तो कहने लगा, फला नाई की दुकान के करीब पेश आया। लोग उसको उस दुकान पर ले गए और नाई से पूछा कि इस तरह का कोई आदमी यहां से गुजरा है, आप उसे जानते हो। उसने कहा, मुझे उसका घर तो पता नहीं, हाँ मगर नमाज के लिए वह आते जाते रहते हैं, अगली नमाज के लिए फिर आएंगे। ये लोग इंतजार में बैठ गए, वह बुजुर्ग अपने वक्त पर तशरीफ लाए। लोग उस चोर को उनके पास ले गए, तो उस चोर ने जाकर उनके हाथ पांव पकड़ लिए कि मुझसे गलती हो गई, गुनाह हो गया, नादिम हूँ, शर्मिंदा हूँ, मेरी आंखों की रोशनी छिन गई, आप अपने पैसे वापस ले लीजिए और मुझे माफ कर दीजिए ताकि अल्लाह तौला मेरी आंखें ठीक कर दे। वह बुजुर्ग कहने लगे कि मैंने तो तुझे पहले ही माफ कर दिया है। यह सुनकर चोर बड़ा हैरान हुआ, कहने लगा, हजरत मैं तो आपका थैला छीनकर भागा और आप कहते हैं कि माफी मांगने से पहले ही माफ फरमा दिया। वह फरमाने लगे, हाँ मेरे दिल में कोई बात आ गई थी। फरमाने लगे, मैंने एक हदीस पढ़ी जिसमें नबी अकरम ने फरमाया कि कयामत के दिन जब मेरी उम्मत का हिसाब पेश किया जाएगा, तो मैं उस वक्त तक मीजान के करीब रहूंगा जब तक मेरे आखिरी उम्मती का फैसला नहीं हो जाता। मेरे दिल में यह बात आई कि अगर मैंने इस चोर को माफ नहीं किया तो कयामत के दिन यह मुकदमा पेश होगा, और जितनी देर मेरे मुकदमे का फैसला होने में लगेगी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को उतनी देर जन्नत से बाहर रहना पड़ेगा। इसलिए मैंने माफ कर दिया कि न तो मुकदमा पेश होगा, न ही मेरे महबूब को जन्नत में जाने में देर लगेगी, वह जल्द जन्नत में तशरीफ ले जाएंगे। सुभानअल्लाह। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करे, सब्सक्राइब करे।